प्यार हम सब ने किया है, कभी ना कभी किसी ना किसी से हम सब ने। लेकिन प्यार में भी स्टेजेस होती हैं, तो आज मैं प्यार की कुछ स्टेजेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेज जिसको हम अट्रैक्शन बोलते हैं, तो उसमें ख्वाहिशें होती हैं, विशेज। तो उसके ऊपर लिखा था, एक ख्वाहिश है मेरी तेरे साथ घंटों बिताने की, बात करते हुए ये दुनिया भूल जाने की। एक ख्वाहिश है मेरी तेरे साथ कदम मिलाने की, पूरी जिंदगी साथ चले जाने की। एक ख्वाहिश है मेरी तेरी बातों से ज़्यादा आँखों में डूब जाने की और तेरे थप्पड़ ना खाने की। एक ख्वाहिश है मेरी वो गुस्से वाले चेहरे को पूरी जिंदगी देखते जाने की, तेरी इनसिक्योरिटीज़ को दिमाग से भगाने की। एक ख्वाहिश है मेरी रोज़ तुझे देखते हुए सब कुछ भूल जाने की और इंटरवल में तेरे साथ साथ टिफिन ना खाने की। एक ख्वाहिश है मेरी तुझे सजने संवारने की, तेरी जुल्फे संभालने की। एक ख्वाहिश है मेरी थोड़ी हिम्मत जुटाने की, तेरे पास वापस आ जाने की, तुझे दिल की बात बताने की। एक ख्वाहिश है मेरी तेरे साथ जिंदगी बिताने की, तेरी सारी ख्वाहिशों को हकीकत बनाने की। अब जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो एक ना एक माइंड में क्वेश्चन जरूर आता है, ये प्यार एक्चुअल में क्या है, कि क्या होता है ये प्यार। तो हमारी स्टेज टू भी यही है। तो लड़की के कुछ क्वेश्चंस थे इसमें, तो वो सुनिएगा। पहली दफ़ा देख के कर देना इजहार, क्या ये होता है प्यार। साथ में घूमना कहीं वादियों में झूमना, तुझे सीने से लगा के सारी दुनिया को भूलना, क्या ये होता है प्यार। एक दूसरे के पास को जानना और साथ मिल के फ्यूचर को संवारना, एक दिन ना देख के ऐसे इतराना जैसे शीशे के हजारों टुकड़े बिखर जाना, क्या ये होता है प्यार। एक दूसरे की मॉर्निंग को गुड करना तो रात की चांदनी में संवरना, क्या ये होता है प्यार। तो जो लड़के के क्वेश्चंस थे, शायद बिन बताए आंखें पढ़ के बात जान लेना, तेरी हर परेशानी को अपना समझ लेना, उनको आधे आधे हिस्सों में बांट लेना, प्यार वो है जो सपनों को हकीकत बना देता है, प्यार वो है जो तुझे तुझी से मिला देता है। इसमें चुनौतियां भी आएंगी, रहना भी होगा दूर, शायद प्यार करने का यही होता है दस्तूर। दिल के चाहे कितने भी हों दोनों साफ, बस ये लोग ही तो हैं जो हर खुश इंसान पर लगा देते हैं दाग। अगर होता इतना आसान तो हर कोई क्यों ना होता शेरशाह की डिंपल की तरह महान। सिखाया पार्वती के शिव जी ने भी था, दिखाया राधा के कृष्ण ने भी था। अल्फाजों में जो बताया जाए वो नहीं है प्यार, इंतजार करके जो जताया जाए वो ही है सच्चे प्यार का इजहार। अब प्यार आसानी से मिल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अब प्यार में मिलना लिखा है तो कहीं ना कहीं बिछड़ना भी, और जो बिछड़ने के बाद भी रह जाए वो होता है सच्चा प्यार। अब आती है हमारी आखिरी स्टेज, जब बिछड़ने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और आपकी महबूबा जानती है कि आप उसको बुला नहीं पाए, और जब बोलती है बुला क्यों नहीं देते मुझे, इस स्टेज का नाम है इबादत, ट्रस्ट, लॉयलिटी। अगर सिर्फ होता तेरी सूरत से इश्क तो कब का भुला दिया होता, तेरी गलियों को छोड़ तेरे शहर से दूर कहीं अपने आप को कबीर सिंह ना बना लिया होता। लेकिन तेरी रूह का बुलाना, तेरी आवाज़ से मुझे खींचा चलाना, तेरी आंखों की गहराइयों में ऐसे डूब जाना जैसे किसी तना शख्स के दिल को छू जाना। अगर हमने तुम्हें बेपनाह इश्क सिखाया होता तो शायद ये रिश्ता तुमने दिल से निभाया होता। तुझे भुला तो कब का दिया होता, अगर तेरी सीरत नहीं तेरी सूरत से इश्क किया होता। तो प्यार की स्टेजेस तो अभी के लिए इधर ही ख़त्म होती हैं, लेकिन प्यार बहुत ही बड़ा है, बहुत नायाब है, इसको समझना भी बहुत मुश्किल है और इसको पाना भी। लेकिन जब मिल जाता है तो आप राजा बन जाते हैं और वो आपकी रानी। इसको इधर ही ख़त्म करते हैं, लेकिन एक लड़कों के लिए भी तो होनी चाहिए। चलो फिर लड़कों के लिए एक, परिवार की जिम्मेदारी के बीच अपने सपनों का गला घोट देता है, माँ बाप को दिक्कत ना आए इसलिए खुद के शौक तोड़ देता है, बचपन में स्कूल बैग का बोझ कंधे पर उठाता है, जवानी में तर्ज जिंदगी को खुद से ज़्यादा अपनाता है, सबसे अपनी तकलीफें छुपाए उससे अकेला लड़ना चला जाता है, उसके बावजूद भी एक लड़की है जिसको चाहता है, जो खुद ना मिल पाया उसे देना चाहता है, खुद सेवक और उसको रानी बनाना चाहता है, खुद के सपने ना हुए पूरे लेकिन उसके पूरे करवाना चाहता है, लेकिन है तो लड़का ही, जिम्मेदारी के पीछे खुद घुट घुट के जीता चला जाता है, परिवार के सामने अपने दर्द को छुपाता है, उनको दिक्कत ना आए इसलिए तो ये सब करा जाता है तो लड़का ही, खुद से ज़्यादा अपने परिवार को देना चाहता है, जेब में ना हो पैसे तो सिर्फ चाय से काम चलाता है,
अपनी परेशानी किसी को नहीं बता पाता है, तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खुद को खुश दिखाता है। लड़का है, इसको रोना थोड़ी आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।